आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। वहीं क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर शमशेर सिंह दलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि रेड के दौरान फैक्ट्री में सामान रखा हुआ था जिसका वह प्रयोग नहीं कर सकते थे, केवल कृषि के लिए उद्योग होगा, इसलिए विभाग द्वारा फैक्ट्री संचालक के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है और जल्द ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह अर्थ प्रकाश की खास रिपोर्ट। CM फ्लाइंग टीम और एग्रीकल्चर से QCI ज्वाइंट टीम ने एक सूचना के आधार पर संत नगर में एक मकान में छापा मारा, जहाँ पर साबुन एंड वाश वगैरह निर्मित किया जा रहा था, लेकिन वहाँ सारा जांच करने पर वहाँ पर 44 बैग नीम कोटेड NFL बठिंडा कंपनी निर्मित द्वारा निर्मित पाए गए, जो कि FCU के अनुसार घोर अपराध है, क्योंकि इन औद्योगिक क्षेत्र में नीम क्या नाम टेक्निकल ग्रेड यूरिया ही यूज़ होता है, दूसरा यूरिया यूज नहीं होता, उसके रेट में काफ़ी डिफरेंस होता है, सरकार किसानों को काफ़ी सब्सिडी देती है, इसलिए ये नीम कोटेड यूरिया इसमें यूज़ नहीं किया सकता। ये इनका FCU की जो भी धाराएं हैं उनको लगाकर हमने FIR दर्ज करवा दी है, अभी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें दीक्षित ओबराय जो इसका मालिक है उसके नाम पर FIR दर्ज करवाई है। ये बताया कि मेरा पिताजी पहले करते थे, वो अभी 21 में एक्सपायर हो गए, उसके बाद हम कर रहे हैं और हम पहले यूज़ नहीं करते थे, जैसा कि ने अपने हिसाब से बताया, हमें तो मौके पर बरामद मिले हैं। कार्रवाई सर आपकी तरफ से क्या है? FIR दर्ज और FCO और एसेंशियल कमेटी एक्ट के तहत, एसेंशियल कमेटी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत FIR दर्ज करवा दी गई है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।